राहुल, सर कल रात में ये माना जा रहा था कि राहुल तक पहुंच गए हैं, अब क्या सिचुएशन, अभी तक राहुल को बाहर क्यों नहीं निकाला सर? देखिए ये है कंट्रोल, हम लोग है ना कटिंग कर रहे हैं, कंट्रोल कटिंग में आपको बहुत ही तसल्ली से कटिंग करनी होती है। अगर अनकंट्रोल्ड या ब्लास्टिंग ऐसा टाइप का कटिंग होता तो वो हम कब का कर देते। अभी हम बहुत ही स्लोली बच्चे की जान को खतरा न पहुंचे इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कल से आज तक चट्टानों का लेवल आप लोगों को सबको सामने दिखाया जा चुका है किस प्रकार की चट्टानें हैं, तो उनको काटना थोड़ा चैलेंजिंग है। अभी बच्चा स्थिर है और विश्वास है कि जल्दी से हम लोग पहुँचेंगे। देखिए जिस प्रकार से अनिश्चितता थोड़ी सी बनी थी दो दिन से, ऐसा अभी कुछ भी नहीं है और हमारी जो प्रोग्रेस है कटिंग की वो काफ़ी अच्छी है और हम लोग काफ़ी नज़दीक तक हैं और जैसे लोकेट हो जाता है इमीडिएट हम उसको बच्चे को रेस्क्यू करके। समय इस मामले में हम नहीं बता सकते, समय का कोई ये नहीं होता, ऑपरेशन है, हो सकता है अभी हमारे अगले क्षण ही मिल जाए हमें, क्योंकि हम लोग अचीव कर चुके हैं वो डिस्टेंस और प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है बच्चे तक पहुंचे। सर 80 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है, जी क्या स्थिति है अभी राहुल की? राहुल की स्थिति अभी हमने देखा है, राहुल स्टेबल हैं, अभी राहुल मूवमेंट भी कर रहे हैं अभी और प्रयास कर रहे हैं कि राहुल को हम जल्दी से जल्दी निकाल के उनको जो भी मेडिकल सुविधाएँ मुहैया कराएँ।